हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर यू में। दोस्तों, जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट का पेपर दिया है उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। किस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ऑफिशियल नोटिस आपका क्या आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, रिजल्ट आपका कब आ रहा है, कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, मेडिकल आपका कब होगा, कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया मेजरमेंट आपका मांगा हुआ है, यानी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट से रिलेटेड सभी बातें जानने को आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट का पेपर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, केवल आपकी 1159 पोस्ट है, 1159 पोस्ट के लिए काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है। पेपर बच्चों का काफ़ी अच्छा हुआ है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा तो इतना अच्छा हुआ है कि हमारे इतने मार्क्स आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर हमारे मार्क्स कटते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। लगभग दोस्तों आपका 60% बच्चों में कॉम्पिटिशन है, लगभग 1159 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट में पास किए जाएंगे वे चार गुना बच्चे पास किए जाएंगे, जिसमें से कुछ बच्चे आपके रिजल्ट के बाद आउट हो जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और कुछ हो जाएंगे आपके फाइनल मेरिट के बाद, मेडिकल के बाद। यानी लगभग 100 में से 60% बच्चों का पेपर है, पेपर में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि लगभग जो 40% बच्चे हैं वे या तो इधर उधर चले गए हैं किसी और भर्ती में, या उन्होंने केवल पेपर दे के देखा था। केवल 60% बच्चे हैं जो आपका कंपटीशन में क्वालिफाई कर रहे हैं, कंपटीशन में लड़ रहे हैं एक सीट पर। एक सीट पर लगभग 20 से 25 बच्चे आपके लड़ रहे हैं, इतने बच्चों ने आपका पेपर दिया है। तो बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की, क्या क्या नंबर चाहिए, कितने नंबर आपको चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएँ। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा, सभी बातें बताऊंगा, धैर्य के साथ एंड तक वीडियो को देखते हुए जरूर चलेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए 72 से लेकर 74 नंबर सफिशियंट होंगे, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 70 से लेकर 72, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं दोस्तों 68 से लेकर 70, एससी कैंडिडेट के लिए 65 से 68, एसटी के लिए 61 से 64, एक्स सर्विस मैन के लिए 60 से 62, पीडब्ल्यूडी के लिए 61 से लेकर 63, पीडब्ल्यूडी वाइज सब कैटेगरी के लिए 63 से 65, वीएच के लिए 62 से 64 और एचएच के लिए 58 से लेकर 60 नंबर। इतने मार्क्स हैं तो डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं आपके कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैटेगरी हो, सभी के लिए डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है सभी को, तो 10th की मार्कशीट आप लेकर जाएं। आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका मांगा हुआ तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र वो आप लेकर जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का आपका नहीं चलेगा, सेंटर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई भी आईडी आपके पास है वो लेकर आप चले जाएं। डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र होता है रेजिडेंस प्रूफ के लिए। तो ये होगी आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका किस प्रकार से है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम था, सभी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, मुंबई का अब सबसे आखिरी में हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जो बच्चे पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे उनका कराया जाएगा मेडिकल। मेडिकल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों का मान्य है, जहाँ पर आपको सेंटर दिया जाएगा वहाँ पर जाकर आप अपना मेडिकल करा लें। मेडिकल के बारे में काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें क्राइटेरिया बता दीजिए मेडिकल का। तो 45 किलोग्राम मिनिमम आपका मांगा हुआ है वजन, इससे कम अगर आपका वेट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपकी आईसाइट 6x6 होनी चाहिए, अगर आपको चश्मा भी लगाया तो 6x12 आपका मांगा हुआ है, यानी इसमें भी रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। आपकी कोहनी 15 डिग्री से ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। टैटू के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि टैटू का क्या करें, टैटू दोस्तों ना निकलवाएं, क्योंकि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में टैटू का कोई जिक्र नहीं कर रखा है। आपके घुटने मिले हुए नहीं होने चाहिए, अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, परमानेंट रिजेक्शन भी इसमें होता है। तो ये होगी आपकी मेडिकल की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी रिजल्ट की। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से सभी लाइक से और सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलेंगे एग्जाम फॉर यू चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी।
रिजल्ट कब आ रहा है दोस्तों? रिजल्ट आएगा आपका सितंबर लास्ट में, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा, क्यों देरी हो रही है? क्योंकि दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर भर्ती है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन एडमिट की, वो पूरी नहीं हुई है, उसका चल रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तक वो भर्ती पूरी होगी तब तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो सितंबर लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर में आपका चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल अक्टूबर में, नवंबर में आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट से रिलेटेड जो भी अपडेट थी सभी बातें मैंने आपको बता दी। कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी एग्जाम फॉर यू चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।